विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि हमारे जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को नरक बनाती है, जिन आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। अगर आप चाणक्य नीति की ओर देखें तो आप पाएंगे कि चाणक्य जी की बताई गई बातें अधिकतर हमारे जीवन में आज लागू होती है और इनको फॉलो करने पर आपका जीवन बेहतर बन सकता है और आप इसे और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो कौन सी है वो बातें, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर मदद करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अत्यधिक क्रोध करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती, वह अपनी लाइफ में हमेशा परेशान ही रहता है। गुस्सा करना कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं होता, इसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। क्रोध करने से कोई भी बात नहीं बनती बल्कि बात बिगड़ जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत तो हो जाता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, हर कोई उससे दूर ही भागता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इसलिए गुस्सा करना हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये एक ऐसी गंदी जड़ है जो कई अच्छे अच्छे रिश्तों को भी पल भर में तोड़ देती है, सही काम को बिगाड़ देती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो इसे कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपको बार बार नरक का एहसास कराएगा। इसलिए गुस्सा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और दोस्तों, दूसरी बात, अपने सगे संबंधियों से वैर रखना। जब किसी इंसान का जन्म होता है तभी से वह किसी न किसी रिश्ते में बंधता चला जाता है। उसके साथ वह रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं जो उसके साथ जन्म से होते हैं और बड़े होने पर उसके संबंधी और रिश्तेदार भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। अगर किसी के जीवन में ये लोग ना हो तो उसको कभी भी जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। हमारे रिश्ते हमारे जीने की एक बहुत बड़ी वजह होती है, जिनसे जीने का आनंद मिलता है। कई लोग अपने सगे संबंधियों से हमेशा ही वैर और दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोग अपने करीबियों को ही नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिनको वे अपना दुश्मन समझ रहे हैं वह उनके अपने ही होते हैं और उनका नुकसान उनका खुद का नुकसान है। अपने संबंधियों से दुश्मनी रखकर कभी भी वह इंसान संतुष्ट नहीं रह सकता। जो इंसान संतुष्ट नहीं है उसके लिए ये दुनिया नरक के समान है। इसलिए दोस्तों, अपने सगे व परिजनों के साथ कभी भी अगर झगड़ा या किसी बात पर बहस होती है तो उसे प्यार से और आपसी बातचीत से दूर करें, समझदारी के साथ उसका हल ढूंढें, तभी आपको उचित न्याय मिल पाएगा। वैर रखकर कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट कि कड़वी वाणी बोलना। आज के समय में बच्चों को घरों में वह संस्कार नहीं मिल पाते जिनकी जरूरत हर बच्चे को होती है। वह संस्कार ही होते हैं जो एक बच्चा बड़ा होकर एक आदर्श नागरिक बनता है। इन संस्कारों में एक बात अहम होती है और वह ये कि दूसरों के साथ हमेशा ही मीठे शब्दों में बातें की जाएं और सभी से अच्छे से व्यवहार करें। लेकिन आज लोगों को अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता, जिस कारण से वे अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते। यही कारण है कि आज कड़वे वचन बोलने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये ध्यान रखो कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से कड़वे वचन ना बोलो। हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे वह हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा हो। कड़वी बातें सुनना किसी को पसंद नहीं होता, ऐसे लोगों से हर कोई बचना चाहता है। अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी का दिल दुखाने वाले शब्दों को बोलने से बचे, वरना कड़वे शब्द बोलने का फल आपको भी कड़वा ही लगेगा। तो दोस्तों, इन तीन पॉइंट को हमेशा याद रखें। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी लोगों के सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं इस वीडियो का लाइक एवं रखता हूं 2000 लाइक। मुझे उम्मीद है कि आप इस एम को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा सही।